place or person, to describe a person, place. Describe means to show this. Let's see example. A fat cat means there is a cat. Cat hai wo, but wo kaisi hai fat. Uske baare mein hum kuch describe kar rahe hain, uske baare mein hum kuch bata rahe hain ki wo kaisi hai uske. Okay, usse hum kehte hain adjective. A big hat. There is a hat. Hat hai udhar, but wo kaisi hai? Big hat. Badi hai. Just they are describing any person, place or thing. Kisi na cheez ko person ka thing ko wo describe karte hain, usse hum kehte hain adjective. A dash boy. A sad boy. ये boy कैसा है, इसको describe कर रहे हैं, boy है बता दिया, पर उसे describe कर रहे हैं, कैसे, कि sad, जैसे हम लोग classroom कहते हैं, कि ये classroom है, there are students हैं, but हम लोग कई बार describe नहीं करते, they are naughty students, हम describe करते हैं, कि ये classroom में ये students हैं, ये है, but कैसे students हैं, naughty student है, तो मस्ती हो रहे हैं, तो वही इस तरह से इसे describe कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं adjective, okay, exercise first is choose an adjective for each animal, okay, there are animals यहाँ पे, यहाँ animals हैं काफी, बट इसके लिए हमें ये एडजेक्टिव बनाना है. अब इसके लिए हम क्या एडजेक्टिव लेंगे, लिटिल, क्यों, बिकॉज ये छोटा छोटा है लिटिल, और ये फैट मोटू साइज के लिए. देन ये कैसा है, फ्लफी, एकदम ये रैबिट्स वगैरह कैसे होते हैं, एकदम फ्लफी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे लगते हैं ना, कैसे लगते हैं, एकदम फ्लफी. ओके, नेक्स्ट स्नेक. यहाँ पे स्नेक कैसा है, लॉन्ग, कैसा एडजेक्टिव हम इसके लिए ले सकते हैं, लॉन्ग. देन यहाँ पे ये कैसा है, ब्राउन, ये एनिमल कैसा है, ब्राउन कलर का, इसके लिए हम ब्राउन एडजेक्टिव. और ये एलिफेंट कैसा होता है, बिग, बहुत बड़ा है, तो हम एडजेक्टिव उसके लिए हमने चूज किया बिग. ओके, तो हम जो एडजेक्टिव किसी के लिए सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ उनके बता रहे हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट, लुक एट द एडजेक्टिव इन द टू बॉक्सेस, चूज एन एडजेक्टिव फॉर ईच बॉक्स टू मेक अ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, राइट अ पेयर इन योर नोटबुक. नाउ टू बॉक्सेस आर गिवन, यहां पे दिए हुए, अब आपको सारे उनके ऑपोजिट्स चूज करके और फिर अपने नोटबुक कुछ मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल बता देती हूँ. जैसे फर्स्ट है ओल्ड, ओल्ड तो क्या होगा उसमें यहाँ पे यंग. फिर है रिच, तो उसका क्या होता है ऑपोजिट, पुअर, तो हम यहाँ पे पुअर ले सकते हैं. फिर है ड्राई, तो वेट होता है, ये सारे ऑपोजिट है. ड्राई मतलब सूखा, वेट यानी गीला, ये सब ऑपोजिट है. ये सारे हम लोग, ये सारे एडजेक्टिव ही कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सबको एडजेक्टिव ही कहते हैं. हम कहीं ना कहीं से एडजेक्टिव को हम, वी कैन यूज दिस एडजेक्टिव, वी कैन यूज दिस एडजेक्टिव. नेक्स्ट, थिन मतलब पतला, अ थिन गर्ल, अ थिन बॉय, हम कहते हैं अ थिक बुक, ये सब कहते हैं ना, हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं ना, कभी भी बुक्स होती है तो हम कई बुक को लेके कहते हैं, ओ ये बुक बहुत ही मोटी है, तो क्या कहेंगे, द बुक मतलब अ थिक बुक, हम कहते हैं ना बहुत मोटी है बुक, तो पर कैसे मोटी है, तो हम कभी एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको. जैसे वाइट, तो उसके लिए ब्लैक कहेंगे. फिर नेक्स्ट है फ्रेश, फ्रेश मतलब एकदम ताजा, अब बासी का हम क्या कहते हैं, स्टीम. Then tame, tame means जो पालतू होते हैं वो, और उसका opposite क्या रहेंगे हम, wild, यहाँ पे जो जंगली होते हैं वो, tame और wild ही तो होते हैं opposites. okay, तो these are the opposites. then next, let's do next exercise. choose a suitable adjective from the box to complete each comparison. now we do the comparison, कहीं भी comparison होगी कहीं दो चीजों में, तो हम वो suitable comparison करते हैं. as hot as dash, इतना hot कि fire की तरह, as hot as fire. next number two, कि fire की तरह hot, मतलब इतना गर्म कि fire की तरह. okay, फिर next हम ले लेते हैं as soft as silk. silk कैसा होता है, एकदम soft soft, एकदम मुलायम होता है ना, as soft as silk, ऐसे हम लोग comparison कर रहे हैं. एक random एक next ले लेते हैं, जैसे number eight ले लेते हैं, as sweet as honey, मतलब इतना sweet honey की जैसे, दो कंपैरिजन हो रहे हैं, इतना स्वीट हनी की तरह, एज स्वीट एज हनी. देन नंबर 6, एज ग्रीन एज ग्रास, कैसा ग्रीन, एकदम ग्रास की तरह, ऐसे ही कंपैरिजन करना है. एज ब्लैक एज कोल, इतना काला कोयली की तरह, कोल सा था ना कोल, इतना काला कोल की तरह. नंबर 11, एज लाइट एज फेदर, इतना लाइट वेट, बिल्कुल एकदम हैवी नहीं, इसमें वजन नहीं है, एकदम लाइट की तरह, इतना लाइट फेदर की तरह, फेदर कितना लाइट होता है, उसी. ओके, नेक्स्ट, एज बिजी एज बी, बीज कैसे होती है, बिजी करती है ऐसे, तो एज बिजी एज बी. एज डीप एज वेल, डीप मीन्स एकदम एकदम गहरा, एकदम ऊंडा कहते हैं ना, इतना गहरा कि वेल की तरह, कुएं की तरह. एज ब्रेव एज लायन, इतना ब्रेव, इतना स्ट्रांग, लायन की तरह. एज प्राउड एज पिकॉक, प्राउड हम पिकॉक को मानते हैं, तो एज प्राउड एज पिकॉक.
एज जेंटल एज लैम, एज ग्रीडी एज वुल्फ. ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची. वुल्फ कैसा होता है? लालची. तो इतना लालची कि वुल्फ के जैसे. एज स्टूपिड एज एन एस, इतना स्टूपिड इतना बेवकूफ. डोंकी की तरह इतना बेवकूफ. एज स्टूपिड एज एस. एज फेथफुल एज डॉग. डॉग कैसा होता है? एकदम फेथफुल. आपने कहीं आप कहीं रहते हो तो उसके आसपास डॉग्स होते हैं. हमने कहीं एक दो दिन अगर खाना खिलाते हैं, उन्हें हम बिस्किट देते कुछ देते, तो वो इतने या उनके साथ तो हमारे घर के पास ही रहने आ जाते हैं. कैसे होते हैं? एज यू नो डॉग्स आर वेरी फेथफुल. बहुत ही फेथफुल फ्रेंड उसे कहते हैं. फेथफुल मतलब कि बिल्कुल हमारे जैसे वफादार कहते हैं ना. वफादार फेथफुल मतलब वफादार कि वफादार है हमेशा. हम अगर उसे थोड़ा हम अच्छा देते वो हमारे लिए भी काम करते हैं. एकदम वफादार. हमारे बैठेगा कोई अगर अलग आ जाता है तो उसे है ना बात करना स्टार्ट होता है, बोलना स्टार्ट कर देता है. बिल्कुल फेथफुल की तरह है. तो हम लोग डॉग की तरह हमें फेथफुल होना चाहिए. फेथफुल फ्रेंड डॉग को नहीं दिया गया है. एज कनिंग एज फॉक्स मतलब इतना चालाक कि फॉक्स की तरह. फॉक्स मतलब लोमड़ी ऐसी होती है, बिल्कुल चालाक होती. कनिंग मतलब चालाक, तो इतना चालाक लोमड़ी के जैसा, फॉक्स के जैसा.